कि अच्छे से बताओ कैसा लगा? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्यों अच्छा नहीं लगेगा गाइस? ऑब्वियसली दीदी उठ जा। ओके सो गाइस फाइनली हमारा जो ऑब्वियसली आप लोग को पता ही है कि जब मैं गया था मनाली मेरे दो म्यूजिक वीडियो मैंने वहाँ पर शूट किए। पहला जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जिसमें आप लोगों ने इतना ज्यादा लेजिट इतना ज्यादा प्यार दिखाया जितना मैंने मांगा भी नहीं था, उससे ज्यादा आप लोगों ने प्यार दिखाया। एंड सेकंड जो म्यूजिक वीडियो है वो भी लॉन्च हो चुका है आज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। वही है हमारी दीदी यहाँ पर सो रही है, मैं यहाँ पर दीदी का रिएक्शन लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ दीदी उठ जा, बिकॉज जो पहला रिएक्शन था वो सिर्फ मैंने मेघा और मम्मी के साथ लिया था क्योंकि हमारी दीदी थी नहीं, दीदी देहरादून गई थी, बट हमारी दीदी वापस आ गई। तो दीदी आ जा। कब से रेडी करा के रखा है? कब से मैंने दीदी को बोल के रखा था, तब वो क्या है वीडियो रेडी नहीं था ना, सो अभी वीडियो प्रॉपर रेडी हो चुका है, लॉन्च भी हो चुका है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आ जा यहाँ पर, मैंने लैपटॉप भी ले लिया है। आ जा आ जा, मम्मी को भी तो दिखाना है। अरे मेरी मम्मी और नानी ऑलवेज रेडी, मैंने घर पे मेरी नानी को मेरी मम्मी को और मैंने दीदी को बोल के रखा था, बट वीडियो रेडी नहीं था ना तो उसके चक्कर में थोड़ा सा ऐसा लेट हो गया था, तो दीदी हमारी सो गई थी एंड मम्मी और नानी जो है फोन चलाने लग गए थे, बट अभी क्या है ना रेडी हो चुके हम। सो क्या हुआ? अच्छा चुन्नी, हाँ उड़ो उड़ो बिंदास। मेरी मम्मी और उनकी मम्मी दोनों खतरनाक है भाई, जब तक कैमरे में तब तक नहीं आते जब तक फुल रेडी ना हो जाए। चलो 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 गाइस रेडी हो जाओ। मम्मी पहला म्यूजिक वीडियो तो हमारा इतना सही गया, अब ये दूसरा म्यूजिक वीडियो वाला गाइस आप लोग को देख देख के इस बार ट्रेंडिंग वन पे लाना है। पिछला वाला नहीं आ पाया था, मतलब बट आया था ट्रेंडिंग लिस्ट पे, तो आया था बट वन पे नहीं आया था ना। तो दीदी चाहती है गाइस की वन पे लाओ आप लोग। ओके सो हमारा जो अभी ना प्रोमो भी लॉन्च हो चुका है, सो उसमें हमारा ट्रेंडिंग 11 पे है म्यूजिक पे, सो मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड हम उसके लिए क्योंकि मतलब प्रोमो ही हमारा जो टीजर वो ट्रेंडिंग पे पहुंच गया, बट अभी हमारा जो म्यूजिक वीडियो है वो आज लॉन्च हो चुका है, सो आज देखेंगे कि मतलब क्या कितना कहां जाता है। लियो को भाई फर्क ही नहीं है क्या हो रहा है क्या कर रहे हैं उसके पापा आकाश। तो चलो पापा है, मम्मी कहां है फिर इसकी? मम्मी अभी ढूंढनी नहीं, प्रोसेस में। अबे लियो भी तो देखेगा, वो डर गया, वो दीदी बिल्कुल प्यार नहीं करती इसको। चलो नानी रेडी रेडी, मम्मी रेडी, दीदी रेडी। ओके सो मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं पहले। ओके सो गाइस हम यहाँ पर रेडी कर दिए हैं। चलो चल भाई आज के टूरिस्ट आ गए हैं। ओके सो गाइस हमारा म्यूजिक वीडियो खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर रिएक्शन पूछेंगे। मेरी दीदी ने तो ताली बजा दी, अच्छा ही बोलेंगे। नानी से पूछेंगे नानी कैसा लगा, बिकॉज पूरे म्यूजिक वीडियो में मेरी नानी कर रही थी, तो बताओ रिएक्शन अच्छा था? अच्छे से बताओ कैसा लगा? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्यों अच्छा नहीं लगेगा गाइस? ऑब्वियसली भाई नाती का है, ऑब्वियसली पोते का, तो क्यों अच्छा नहीं लगेगा है ना? हीरो का फील हो रहा था। आप बताओ रिएक्शन, मम्मी का रिएक्शन पूछते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे दिन प्रतिदिन ऐसे अच्छा अच्छा म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं तो और प्राउड फील हो रहा है कि बेटा इतना। अभी जाके हमारी ना अभी नहीं आ रहा, उस टाइम तो उस टाइम पे तो फर्स्ट टाइम था ना, फर्स्ट टाइम इस टाइम पे अभी मम्मी को रोना नहीं आ रहा है, बिकॉज उस टाइम पे फर्स्ट टाइम था क्योंकि पहली बार देख रही थी मेरी मम्मी म्यूजिक वीडियो में मुझे, अभी ये दूसरी टाइम तो मम्मी को अच्छा लगा। एंड दीदी से पूछते बिकॉज दीदी हमारी थी नहीं ना यहाँ पर पहली वाली म्यूजिक वीडियो के टाइम पे। मेरे को वीडियो से ज्यादा ये एक्साइटमेंट थी इसकी स्टोरी क्या होगी, इसकी स्टोरी मस्त मस्त है ना गाइस, जैसे एंडिंग हुई ना ऐसा ओ ऐसा हुआ, मतलब लोगों को देखना चाहिए कि देखना नहीं? बिल्कुल देखना चाहिए गाइस, मतलब मेरा भाई इसलिए नहीं बोल रही, स्टोरी भी बहुत मस्त है। सो गाइस म्यूजिक वीडियो लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा एंड ऑब्वियसली आपको पता चली जाएगा, सो जाके देखो बिंदास। और बाकी गाइज अभी मैं ना बाहर जा रहा हूँ और बाहर जाने के लिए ऑब्वियसली कपड़े पहन के जाऊंगा मैं और बाकी कपड़े मैं आज ये पहन रहा हूँ पैंट, एंड ये पैंट जो है ना इस ये बहुत ही लंबा है, मैंने लिया था ये गर्ल सेक्शन से लिया था, बिकॉज मेरे वार्डरोब में जब भी आओगे ना आप लोग देखोगे मेरे वार्डरोब में 50% लड़कों के कपड़े 50% लड़कियों के कपड़े, भाई ये तो फॉर चला ना मम्मी आधे खुद आपने बेइज्जती करा रहा है। बेइज्जती नहीं है ये कपड़े, इज लाइक कपड़े के मामले में मैं देखता नहीं कि लड़की के, लड़की इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रॉक फ्रूक रखता हूँ वो बिल्कुल भी नहीं है, लड़की इन द सेंस कि जो यूनिसेक्स होते हैं ना कि जो दोनों पहन सकते हैं लड़का लड़की, वो वाला है मेरे पास लड़कियों के सेक्शन के, ठीक है। सो ये मैंने पैंट लिया था गर्ल सेक्शन में से, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया तो मम्मी को मैं बोल रहा हूँ मम्मी ये वो कर दो थोड़ा छोटा कर दो, बिकॉज हमारी मम्मी जो मास्टर है भाई मास्टर, बिकॉज अभी कोई भी कपड़े मेरे को छोटे या बड़े आ जाते ना मैं मम्मी को बोल देता हूँ, मम्मी के पास बेचारे यहाँ पर वो है ना मशीन है तो इसकी वजह से अभी तो दिख नहीं रहा होगा। हाय हाय देखो ये हमारी मम्मी का मशीन है। ओके सो गाइस जस्ट टेक अ बाथ एंड यहाँ पर पैंट भी जो मेरी मम्मी ने सिलने को दिया था मैंने मम्मी को वो भी कर दिया है मम्मी ने, और बाकी हमारी जो सिस्टर है यहाँ पर हमारे लिए हमारा टी शर्ट जो है वो प्रेस कर रही है, तो और अभी जस्ट ऑफ कैमरा बोलती है कि यार ये सब मत करवाया कर मेरे को, यही सेम चीज जीजू बोल देते, आए हाय कितने कितने मुंह में गुलाब जामुन रह के प्यारा सा स्वीट सा चेहरा बना के फिर प्रेस करती, मुझे पता है जीजू वाला बात नहीं है उसको
ज्यादा पसंद है, प्रेस करना मेरे को नहीं पसंद, तो वो खुद कर लेता। वो खुद कर लेते, कर लेते। आए, आए, क्या बात है, शादी के बाद तो फिर तो वेली बैठी रहेगी जो ये चाहती है गाइस। ऐसा कुछ नहीं है, और काम भी होते, क्या प्रेस ही होता है शादी के बाद? नहीं नहीं, प्रेस, बर्तन मांजना, क्या पता एक साल तक रहे फिर बाद में जैसे यहाँ पर हरकत करती है कि मम्मी मैं नहीं कर रही, मेगा को बोलो, आफ्टर शादी के बाद कोई होगी भी नहीं, ना मेगा होगी तो वहाँ तो बोल भी नहीं पाएगी, वहाँ पर देखो उठना ही पड़ेगा। और आफ्टर वन ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, वन ईयर हो चाहे टू ईयर हो, जैसा घर पे होता है वैसा ससुराल में नहीं होता बेटे, समझा? वेरी गुड, मतलब यही तो देखना बाकी था गाइस। बस जब मैं निकलता हूँ, आई डोंट नो व्हाई मेरे साथ क्या दुश्मनी है कि बारिश की, मतलब जब भी निकलता हूँ उनको पता चल जाता है कि अब आकाश ना 5 मिनट बाद निकलने वाला है, सो चल गिर जाता हूँ, तो ये हाल हो जाता है गाइस। बरस गया, अभी मैं कैसे जाऊँ? मैं बाहर जब जाता हूँ ना तो कभी भी छाता लेके नहीं जाता, मतलब फिर ना उसके बाद उसका वही डर रहता है कि खो ना जाए, बट अब मैं क्या करूँ यार, बारिश आ रही है बहुत तेज। ओके सो गाइज, हम इतना हम इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे साथ है मेरा भाई जिसने ना अभी जस्ट H&M से 9000 की शॉपिंग की है भाई डेली। चोटी मार रहा है, ये चाहता कि मैं किसी को ना बताऊँ, बट कोई नहीं, अभी यार खुद से मेहनत की है, डर क्या रहा है, बोलता बता मत किसी को, क्यों ना बताऊँ, मेहनत का है भाई। एटीट्यूड तो वैसा है जैसे 10000 का खरीद लिया हो, 10000 का खरीद लिया हो, मतलब 10000 का ही खरीदा है ऑलमोस्ट। ओ ये भी खरीदा है क्या? ये तो 150 से लिया अंधेरी स्टेशन के बगल से। भाई कुछ खिला रहा है, क्या खिला रहा है बता ना, आज टेबल भी खाली है, चल आज क्या तो खाएगा? ऑफ कैमरा, ऑफ कैमरा बोलियो, वही खिला दे यार प्लीज, वही खिला दे। गाइज मेरा दोस्त ना बहुत हरामी है, मतलब ये चीज़ तो मुझे भी पता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी लाइव टेलीकास्ट एकदम बिल्कुल, ठीक है? अभी हमने खाया, फुल दबा के खाया, कुछ भी मत बोला, सच में बोल रहा हूँ, अभी हमने खाया तो मेरे में से मतलब मेरा हम दोनों का पेट भर गया, एक लास्ट पीस बच गया, तो बोलता भाई अब मैं नहीं खा रहा हूँ, ये पीस इसका ही था, तो बोलता भाई मैं नहीं खा रहा हूँ अभी ना, मेरा पेट भर गया, मैंने बोला वेस्ट मत कर, बोलता नहीं नहीं कोई नहीं बाहर जाएंगे गरीब को दे देंगे, तो हमने ये ना चिकन चिकन वाला पिज्जा मंगाया, उसमें से ना आराम से चिकन खा रहा था, मैंने देख लिया इसको, मैंने बोला ये सही है बेटा, पहले चिकन पिज्जा में से चिकन निकाल लो, फिर जो वेजिटेबल बच गए वो गरीब को दे दो। आए हाय, शर्म कर ले बेटे, शर्म कर ले। ओके सो गाइज, बैक टू दी होम एंड घर आके मेरे को ऐसा न्यूज़ मिलेगा मेरे को पता ही नहीं, मतलब लिटरली मेरा जो लियो है मेरी कैट, वो आई डोंट नो व्हाई खो गई है, मेरी मम्मी बोल रही है खो गई है, अगर आप लोग को कहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कहाँ है वो मेरे को मिल ही नहीं रहा है, मैं उसको ढूंढते ढूंढते पागल हो गया हूँ। बाकी गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, आई नो ये व्लॉग में भी बहुत छोटा बनेगा इसीलिए, बिकॉज ये मेन व्लॉग उसके लिए कि हमारा जो म्यूजिक वीडियो वो लॉन्च हो चुका है, सो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा जाओ देखो बिंदास, एंड कमेंट करना ये वाले व्लॉग में भी और म्यूजिक वीडियो में भी कि आपको कैसा लगा।